अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय नेहरू महाविद्यालय में दिया गया ज्ञापन। देवरी के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिया गया ज्ञापन, जिसमें वर्तमान रिजल्ट 2022 में जारी हुए बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष सत्र 2021-22 के परीक्षा परिणाम में अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों को अनुप्रिय पूरक प्राप्त हुए हैं, जबकि विद्यार्थियों का परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहा है, अतः इतनी अधिक संख्या में परीक्षा परिणाम बिगड़ना आश्चर्यजनक है, जो कि विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन व परिणाम निर्माण में भी भारी त्रुटियों को दर्शाता है। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महोदय से निवेदन किया है कि बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम तृतीय द्वितीय वर्ष का परीक्षा मूल्यांकन पुनः किया जाए व परिणाम फिर से बनाए जाएं एवं आगामी संकायों के परीक्षा परिणाम में ऐसी त्रुटि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन देने वालों के नाम नित्यम प्रजापति, आर्यन जैन, राज पांडे, सत्येंद्र कुर्मी, हिमांशु आध्या, वैभव खत्री, रामगोपाल पटेल, अभिषेक प्रदीप लोधी, अंकित आदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल रहे। तो पास होने के लिए या तो फिर रिजल्ट शुरुआत के लिए ज्ञापन दिया गया। कैसे कौन से पेपर में टिकट आई आप लोगों? ये फाइनल पेपर में। कब हुई थी ये पेपर? क्या कब हुई थी पेपर? पेपर लगभग 3-4 माह हुआ। तो आप रिजल्ट भी इस हफ्ते आया है? रिजल्ट भी आया है, सभी के लिए आए। लगभग 90% लोगों के लिए टिकट ही आई। अगर मान लो नई संशोधन हुआ तो आप लोग क्या करें? इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा। बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों ने, जिनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और जिनको एटीकेटी पूरक या जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर उन्होंने पुनर्मूल्यांकन की मांग की है, उनका ज्ञापन मैंने ले लिया है और आवश्यक कार्यवाही के लिए मैंने विश्वविद्यालय छतरपुर को प्रेषित कर दिया। ठीक है। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।